नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, पर्यावरण शतक के नाम से जो सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों, जो लोग यूपी टेट की खासतौर से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो पात्रता परीक्षा होती है पूर्ण रूप से तथ्यात्मक होती है। उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो रिपीट भी होते हैं और साथ ही साथ आपको पता भी नहीं होते हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण शतक की जो सीरीज चल रही है उसको मिस बिल्कुल मत करिएगा। साथ ही साथ ये चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और पर्यावरण का सेक्शन 30 अंकों का होता है, जिससे जो है यदि आप पर्यावरण में 28-29 प्रश्न सही करके आते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो स्कोर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि आने वाले समय में जो टेट का कुछ परसेंटेज जो है आपकी मेरिट में जोड़ा जाएगा। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पर्यावरण की जो शतक की जो सीरीज है इसको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत ने जलवायु परिवर्तन पर प्रथम कार्य योजना कब तैयार की यानी कब बनाई। तो दोस्तों, भारत ने जलवायु परिवर्तन पर प्रथम कार्य योजना बनाई थी जून 2008 में। याद रखिएगा, प्रथम कार्य योजना जलवायु परिवर्तन के लिए जून 2008 में। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीट होता है। जो अदर स्टेट के एग्जाम है, चाहे पंजाब के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे एमपी के हों, चाहे बिहार के हों, उसमें भी रिपीट होता है, बहुत रिपीट होता है। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, ये न जाना जाता है छाता विधान के नाम से। याद रखिएगा, कहीं कहीं ऑप्शन में दिया होता है छतरी विधान, तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को जाना जाता है छाता विधान के नाम से। अगला प्रश्न, अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को, याद रखिएगा, क्योंकि अफ्रीका का जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिनकी जीडीपी उतनी अच्छी नहीं है, जो जिनमें इतना विकास नहीं हुआ है, इस वजह से इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बताइए, लोकसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे अनंत शयनम आयंगर। याद रखिएगा, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, एनजीटी जो है ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो 2010 में हुई थी। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है, अक्सर रिपीट होता है कि एनजीटी की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, यह राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इसकी स्थापना हुई है 2010 में। अगला प्रश्न, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण हो सकता है यानी कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या होता है? तो दोस्तों, अगर ऑप्शन में खेत दिया रहेगा तो खेत ही जो है ये कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण होगा। खास तौर से कौन सा खेत? धान का खेत। याद रखिएगा, यानी कि कृत्रिम पारितंत्र का जो उदाहरण है वो धान का खेत हो सकता है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो सुपीरियर झील है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दोस्तों, इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ में है। याद रखिएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न, कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है यानी फल पकाने के लिए किसका यूज, किस हार्मोन का यूज किया जाता है, जो एक प्राकृतिक, जो एक कृत्रिम हार्मोन होता है? तो दोस्तों, इसे बोलते हैं एथिलीन। एथिलीन की सहायता से जो है प्राकृतिक तरीके से फलों को पकाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, लोक लेखा समिति। दोस्तों, संसद में जो लोक लेखा समिति होती है उसके सदस्यों की संख्या
कितनी होती है? तो लोकलेखा समिति के सदस्यों की संख्या होती है 22, याद रखिएगा 22 लोग, 22 सदस्य होते हैं इसमें लोकलेखा समिति में। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, चिपको आंदोलन संबंधित है, बहुत बार पूछा जाता है किससे संबंधित है, आपको याद रखना है पादप संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन, और इसके प्रणेता भी पूछे जाते हैं, तो सुंदरलाल बहुगुड़ा का नाम आपने सुना होगा, सुंदरलाल बहुगुड़ा जो थे इसके प्रणेता थे, और साथ में चंडी प्रसाद भट्ट का भी जो है, अगर सुंदरलाल बहुगुड़ा का नाम ना दिया हो ऑप्शन में तो चंडी प्रसाद भट्ट भी आप लगा सकते हैं, ये भी जो है चिपको आंदोलन से संबंधित थे। और ये कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? ये शुरू हुआ था उत्तराखंड के चमोली जिले से। तो दोस्तों ये प्रश्न पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शाकीय भारतीय डॉक्टर, यानी कौन सा ऐसा पौधा है जिसे शाकीय भारतीय डॉक्टर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये है आंवला, याद रखिएगा, और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आंवला की पैदावार जो होती है वो प्रतापगढ़ में होती है, ये भी याद रखिएगा। तो शाकीय भारतीय डॉक्टर के नाम से जाना जाता है आंवला। अगला प्रश्न, सूर्य की सबसे बड़ी बाहरी परत, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं बताइए दोस्तों? सूर्य की सबसे बाहरी परत जो होती है वो होती है कोरोना, याद रखिएगा कोरोना, कोरोना जो है ये सूर्य की सबसे बाहरी परत है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ये भी कई बार रिपीट होता है, बहुत सारे वनडे एग्जाम्स में भी ये रिपीट हो जाता है, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में भी ये रिपीट हो जाता है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है वो है ब्राजील, याद रखिएगा ब्राजील। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में गिना जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया गया वो किया वाल्टर रोसेन ने, याद रखिएगा वाल्टर रोसेन ने। अगर बायोडाइवर्सिटी शब्द पूछा जाता है सर्वप्रथम सबसे प्रयोग किसने किया, तो वाल्टर रोसेन ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है फल उत्पादन से, याद रखिएगा फल उत्पादन से। तो दोस्तों सुनहरी क्रांति जो संबंधित है वो फल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है 25, याद रखिएगा भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 हो गई है। अगला प्रश्न, झूम खेती कहाँ की जाती है? झूम खेती से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये होती है उत्तर पूर्वी भारत में, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत में आपका मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, यहाँ पर जो है झूम खेती की जाती है। तो वैसे अगर ऑप्शन में राज्य आ जाएँ तो मेघालय में सबसे ज़्यादा झूम खेती होती है, याद रखिएगा। और अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो उसमें उत्तर पूर्वी भारत में सर्वाधिक खेती झूम खेती होती है। अगला प्रश्न, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो दोस्तों पूर्वी चोटी कहाँ पर हो सकती है? ये हो सकती है अरुणाचल प्रदेश में। तो नामचा बरवा नाम की जो चोटी है ये पूर्वी चोटी कहलाती है और ये है अरुणाचल में। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा। अगला प्रश्न, भारत में बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में गिना जाता है, भारत में जो जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संतृप्त क्षेत्र जो है वो पश्चिमी घाट है। ये गुजरात और महाराष्ट्र से शुरू होकर के पश्चिमी घाट के जो जंगल हैं ये कन्याकुमारी तक जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जैव विविधताएँ यहाँ पाई जाती हैं, लगभग आप मान के चलिए 40,000 से ज़्यादा प्रजातियाँ वनस्पतियों की यहाँ पे पाई जाती हैं। तो जैव विविधता से परिपूर्ण और संतृप्त जो क्षेत्र है वो है पश्चिमी घाट, याद रखिएगा पश्चिमी घाट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर स्थित है, याद रखिएगा चंबल नदी पर, गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर है। दोस्तों पर्यावरण शतक की सीरीज बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे और आप 30 में 30 अंक लेके आएंगे पर्यावरण के सेक्शन में। तो गांधी सागर बांध स्थित है चंबल नदी पर, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दोस्तों ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं, तो दोस्तों
ऐसे भी ऑप्शन आ जाते हैं कि ग्रीन इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपको याद रखना है प्रोपेन गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इतना आप ध्यान में रखिएगा कि प्रोपेन अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछा जाता है, अक्सर ये पूछा जाता है, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछ लिया जाता है, सामान्य ज्ञान में भी पूछ लिया जाता है। तो चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश है। दूसरे नंबर पे है यूएसए, 15% जो है उत्सर्जित करता है। भारत का स्थान चौथा है। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक जो CO2 उत्सर्जित करता है वो चाइना करता है, 27%। तना के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों अदरक को भी जो है जड़ नहीं तने के अंतर्गत गिना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि अदरक क्या है, तो अदरक आपको याद रखना है अदरक एक तना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रोटीन की मात्रा नहीं पाई जाती है, तो दोस्तों प्रोटीन की जो मात्रा है वो चावल में नहीं पाई जाती है, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो प्रोटीन की अगर मात्रा पूछी जाए किसमें नहीं पाई जाती है, तो आपको याद रखना है चावल में नहीं पाई जाती, मांस में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है, अंडे में पाई जाती है, लेकिन चावल में नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न ओजोन परत से संबंधित है, दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ओजोन परत के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों ये होती है CFC, और CFC का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना है CFC का जो फुल फॉर्म होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, और ये ओजोन परत का ज़्यादातर क्षरण CFC ही गैस करती है। और दोस्तों एक प्रश्न आता है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, याद भी रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। तो ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस होती है CFC। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है? तो दोस्तों सर्वाधिक अगर वन क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। और भारत का वन क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों ये 24% से ऊपर है, जबकि होना कितना चाहिए 33% होना चाहिए। तो आपको याद रखना है जो मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है। ATP का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों ATP का जो फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ATP का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ था वो कौन सा था? तो दोस्तों ये था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, यानी कि रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ वो पर्यावरण को लेकर हुआ था, और ये संयुक्त राष्ट्र की तरफ से पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी लवणीय आर्द्र भूमि है? भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी लवणीय आर्द्र भूमि है? तो ये है दोस्तों गुजरात में, याद रखिएगा, गुजरात में जो है भारत की सबसे बड़ी लवणीय आर्द्र भूमि है। अगला प्रश्न, समोच्च रेखाएं जो होती हैं वो कैसे स्थानों को मिलाकर खींची जाती हैं? तो दोस्तों ऐसे स्थान जो समुद्र तल से समान ऊंचाई पे होते हैं, सम ऊंचाई पे होते हैं, उनको मिला करके जो है समोच्च रेखाएं खींची जाती हैं, याद रखिएगा। अगर प्रश्न आ जाता है तो आपको याद रखना है कि समुद्र तल से सम ऊंचाई पर जो क्षेत्र होते हैं उनको मिलाकर ये समोच्च रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से कौन सा प्रदूषण फैलता है? तो दोस्तों उष्मीय प्रदूषण जो होता है वो नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से उष्मीय प्रदूषण फैलता है। अगला प्रश्न, किन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है UPTET के लिए, और भी जितने एग्जाम हैं, राजस्थान का हो, चाहे MP का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे कहीं का हो, बिहार का हो, वहाँ ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि भारत में जल पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाने जाते हैं राजेंद्र सिंह, और इन्होंने एक NGO की स्थापना की है जिसका नाम है तरुण भारत संघ से संबंधित है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको याद रखना है राजेंद्र सिंह जो हैं वो जल पुरुष
के नाम से जाने जाते हैं, और तरुण भारत संघ के एनजीओ नाम से जो इनका है, खुद के उनके अध्यक्ष हैं और उससे तरुण भारत संघ से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये हुई थी 1985 को, याद रखिएगा। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की जो स्थापना हुई वो 1985 में हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम स्थिर यौगिक है वो है ग्लूकोज, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में जो प्रथम स्थिर यौगिक है वो है ग्लूकोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विश्व तंबाकू जो निषेध दिवस है ये मनाया जाता है 31 मई को, याद रखिएगा। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड की स्थापना कब हुई, यानी कि WWF की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये स्थापना हुई थी 1961 में, याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना 1961 में हुई। अगला प्रश्न, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है या ज्वार भाटा उत्पन्न होता है? तो दोस्तों पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण पृथ्वी पर जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश में है? तो दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में है, जिसे बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। याद रखिएगा, जब आपने हमारा वीडियो देखा होगा महाद्वीपों वाला, तो उसमें मैंने विस्तृत रूप से ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया है। प्लेलिस्ट में, पर्यावरण की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देख पाएंगे बहुत सारे आपको प्रश्न, वहाँ से बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। मनोविज्ञान के बहुत सारे वीडियो मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और पर्यावरण शतक से संबंधित देखेंगे तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दी है, वहाँ पे आपको पर्यावरण शतक के वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट बैरियर रीफ। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो दोस्तों भारत का जो उपराष्ट्रपति, इसका निर्वाचन किया जाता है तो उसमें संसद के दोनों सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सांसद होते हैं वो सब मिलकर के राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोटिंग करते हैं, और वहाँ से जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसमें जो है विधानसभा के विधायक जो है वो भाग नहीं लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं, संसद सदस्य, वो मिलकर करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत के लोकसभा राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? तो दोस्तों जो सीटों का आवंटन लोकसभा में किया जाता है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, ना कि क्षेत्रफल के आधार पर। आप देख ही रहे होंगे, जैसे राजस्थान हो गया या MP हो गया, यहाँ का क्षेत्रफल ज़्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगभग 80 सीटें हैं लोकसभा की, क्योंकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कम है लेकिन यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है। तो लोकसभा में राज्यों में जो सीटें आवंटित होती हैं वो जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती हैं। अगला दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, करनाल बंट रोग जो होता है वो किस में होता है? तो दोस्तों करनाल बंट एक घातक बीमारी के रूप में होता है और ये गेहूं में लगता है, यानी करनाल बंट रोग अगर आएगा तो आपको ऑप्शन में टिक करना है गेहूं, गेहूं में करनाल बंट रोग लगता है। अगला प्रश्न, रिंग रोग किसे कहते हैं? तो दोस्तों सैथिल रोग को रिंग रोग कहते हैं, याद रखिएगा, सैथिल रोग जो होता है वो रिंग रोग कहलाता है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कौन सा है? ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों अगर विश्व के सबसे बड़े वनस्पतिक उद्यान की बात करें तो ये है इंग्लैंड में, और
इंग्लैंड के क्यू में, याद रखिएगा क्यू, क्यू क्यू में जो है ये विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान है और इसमें लगभग 45,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल होता है? तो दोस्तों अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है और नाइट्रिक एसिड भी होता है, याद रखिएगा। इन दोनों में अगर दिया हो तो, इन दोनों में अगर ऑप्शन नहीं हो, अगर नाइट्रिक एसिड दिया हो तो नाइट्रिक एसिड सही माना जाएगा। तो दोस्तों पर्यावरण के शतक के जो वीडियो हैं वो पर्यावरण शतक की लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे ही प्रश्न बहुत सारे मैंने वहाँ पे वीडियो बनाए हुए हैं, वहाँ से जाके अगर वीडियो देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से जो है 30 में 30 अंक जरूर मिलेंगे पर्यावरण के सेक्शन में, जो आपके UPTET की परीक्षा में निश्चित रूप से जो स्कोर होगा उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया रहेगा, वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और जो पाठ्यक्रम है UPTET का उस पर भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का आपको जो है लिंक मिल जाएगा, जहाँ मैं PDF और नोटिफिकेशन शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ हमारी प्लेलिस्ट के वीडियो देख लीजिए यदि आप UPTET की तैयारी कर रहे हैं। UPTET का एग्ज़ाम जो है दिसंबर में होने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर आपको कोई सजेशन देना हो वो भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मनोविज्ञान और पर्यावरण से संबंधित मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे टॉपिक आपके क्लियर होंगे। क्योंकि अगर मनोविज्ञान की बात करें तो अधिगम जो है मैंने बहुत ही विस्तृत तरीके से उसमें वीडियो में पढ़ाया हुआ है, अधिगम को जाके आप एक बार देख लेंगे आपका पूरा अधिगम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अधिगम से बहुत सारे प्रश्न मनोविज्ञान में आते हैं, जल्दी ही मैं मनोविज्ञान के भी वीडियो शुरू करने वाला हूँ, तो जल्दी हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।